और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सिर्फ बवाल और भ्रम फैलाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया। हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं पिछले दो दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने मन बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं हुई है,